राइट, या सिंपली हम लोग कह देते हैं अस्थमा। अस्थमा होता क्या है? अस्थमा इट इज क्रॉनिक बट एपिसोडिक एयरवे डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाई, तीन चीजों की बात हम लोगों ने किया था, कैरेक्टराइज्ड बाई क्या? कॉफ, डिस्निया एंड वीजिंग। राइट, डिस्निया मतलब सांस लेने में परेशानी होगी, खासकर सांस छोड़ने पे परेशानी होगी, डिस्निया कॉफ एंड वीजिंग। राइट, बट इम्पॉर्टेंट क्या है? एपिसोडिक है, क्रॉनिक है, विच इज फुली रिवर्सिबल, विच इज फुली रिवर्सिबल, विच इज रिवर्सिबल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या चीज? आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीटा टू एगोनिस्ट, हम लोग कह देते हैं ब्रोंको डायलेटर, हम लोग कह देते हैं यहाँ पे साल ब्यूटा मॉल। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को अस्थमा है तो एक बार साल ब्यूटा मॉल से नेबुलाइज कर दिया, हमेशा के लिए ठीक हो गया, एटलीस्ट वो जो पर्टिकुलर अटैक आ रहा था वो तो अब नहीं होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिस्निया की, हम लोग कॉफ की, हम लोग वीजिंग की, और अस्थमा एक क्रोनिक प्रॉब्लम है जो रिवर्सिबल है लेकिन, ठीक है, एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि किसी को, पेशेंट को अगर हम लोगों ने कहा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ मतलब अगर किसी को बहुत सीवियर ब्रेथलेसनेस हुई, राइट, फीजिंग हुई बहुत ज्यादा सीवियर, डिस्निया हुआ, ऐसे पेशेंट को हम लोगों ने क्या दे दिया? बीटा टू एगोनिस्ट दे दिया। हम लोगों ने इनको दे दिया बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू एगोनिस्ट का मतलब है यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया साल ब्यूटामॉल। ठीक है, एस्थेलिन नाम से आता है, मान लीजिए नेबुलाइज कर दिया या मान लीजिए हमने इनहेलर दे दिया। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, अगर डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है तो। अगर ये अस्थमा है तो अटैक सबसाइड्स, पेशेंट फुली नॉर्मल, राइट। अगर मान लीजिए दूसरी तरफ हम लोग इसको कर देते हैं, मान लीजिए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, राइट, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं दो चीजें होती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसिमा। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पेशेंट को स्लाइट रिलीफ हो सकता है, राइट, स्लाइट रिलीफ बट पेशेंट नॉट एब्सोल्यूटली नॉर्मल। ठीक है, तो यहां से हम लोग डिफ्रेंसिएट कर देते हैं कि अगर पेशेंट को क्या दे दें, हम लोग सालब्यूटामॉल दे दें, पेशेंट को एस्थेलिन दे दें, बीटा टू एगोनिस दे दें, ये आपका क्या करता है? ब्रोंको डायलिटेशन करता है। ब्रोंको डायलिटेशन करेगा तो जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो एयरवे आपके नैरो हो गए हैं जिसकी वजह से एक्सपिरेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, वो क्या हो जाएगा? वो आपका डायलेट हो जाएगा, तो पेशेंट को राहत मिलेगी। अगर अस्थमा है तो फुल रिलीफ मिलेगा, अगर सीओपीडी है तो बहुत हल्का सा रिलीफ मिलेगा, या कभी कभी नहीं भी रिलीफ मिलता है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी कॉन्सेप्ट की बात की थी, बीटा टू और बीटा वन की, हम लोगों ने कहा था इस तरीके से ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री होता है, समथिंग लाइक दिस, ये आपका एक लंग हो गया, ये दूसरा लंग हो गया, बीच में आपका हार्ट हो गया, समथिंग लाइक दिस। तो हार्ट में बीटा वन होता है, लंग्स में बीटा टू होते हैं, like, लंग्स आपके कितने होते हैं? दो होते हैं, तो यहाँ पे बीटा टू होता है। हार्ट आपके पास वन होता है तो यहाँ पे बीटा वन होता है। ये जो आपके बीटा टू हैं, अगर आप इनको स्टिमुलेट करोगे तो सिंपैथेटिक सिस्टम के फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, राइट, सिंपैथेटिक एक्टिविटी। बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इसीलिए ये क्या करेंगे? ब्रोंको डायलिटेशन, ब्रोंको डायलिटेशन, जिससे क्या हो जाएगा? आपके सिम्टम्स रिवर्स हो जाएंगे, है ना? देयरफोर
इट रिलीव्स ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस होती हैं वो ये दो होती हैं, अस्थमा और सीओपीडी। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, ठीक है। तो हम लोगों ने नेबुलाइजेशन से क्या कर लिया, क्लियर कर लिया बीटा टू एगोनिस्ट देके। अगर पूरी तरीके से इंसान रिवर्स सिम्टम्स रिवर्स हो जा रहे हैं तो अस्थमा है, अदरवाइज ये क्या है, अदरवाइज ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मतलब सीओपीडी है। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग बात कर रहे हैं अस्थमा और सीओपीडी की, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केवल अस्थमा। अस्थमा में अटैक आया, आपने नेबुलाइज कर दिया, पेशेंट ठीक हो गया। एक चीज होती है स्टेटस अस्थमैटिकस, स्टेटस अस्थमैटिकस यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्निया एंड व्हीजिंग फॉर एट लीस्ट 30 मिनट्स, राइट, विदाउट एनी रिलीफ। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अस्थमा का अटैक और लंबा अगर आ जाए, ठीक है, तो ये आपका स्टेटस अस्थमैटिकस है। दिस इज मेडिकल इमरजेंसी, दिस इज मेडिकल इमरजेंसी। छोटा मोटा अस्थमा का अटैक आता है तो अपने आप भी ठीक हो सकता है, अपने आप ही नेबुलाइज करो। ऐसा नहीं कि जिसको दवा नहीं मिलती वो अस्थमा से मर जाता है, लेकिन अगर स्टेटस अस्थमैटिकस है तो यहाँ पे बहुत सीवियर ब्रेथलेसनेस होगी और रिकवर भी नहीं होगा पेशेंट एटलीस्ट हाफ एन आवर तक, बॉडी में हाइपोक्सिया वगैरह हो सकता है, स्टेटस अस्थमैटिकस में डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी में बात करेंगे तो हम लोग कहते हैं दिस इज नॉन इन्फेक्टिव डिजीज, नॉन इन्फेक्टिव डिजीज। ये अलग बात है कि अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसको कोई चेस्ट का इन्फेक्शन भी हो जाए तो उस समय अस्थमा का अटैक आ सकता है। जैसे अगर आप लोग कोविड पेशेंट की बात करें तो अगर किसी में अस्थमा वगैरह की हिस्ट्री रहती है तो हाई रिस्क केस माने जाते हैं, क्योंकि जब भी लंग में इन्फेक्शन होगा तो अस्थमा का अटैक उसी समय आ सकता है, राइट। बट इन्फेक्शन कैन प्रेसिपिटेट द डिजीज, ठीक है। अगर इन्फेक्शन होता है तो this is primarily allergic problem in which patient can be allergic to किससे, जैसे हो गया डस्ट, हो गया धूल मिट्टी से, पॉलन ग्रेन्स हो गए, राइट, कभी कभी फूड से एलर्जिक हो गए, कभी कभी हीट से एलर्जिक हो गए, तो मतलब किसी ना किसी चीज से एलर्जिक हैं, ड्रग से एलर्जिक हो सकते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी इमोशंस में अस्थमा आ जाते हैं, राइट। तो पेशेंट में कोई ना कोई एलर्जी की हिस्ट्री है जिसकी वजह से उसको अचानक ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। मान लो मैं कहूँ मुझे अभी हल्की हल्की सांस फूल रही है, एक घंटे बाद सांस फूलने और बढ़ जाएगा, उसके बाद और बढ़ जाएगा, तो ये अस्थमा नहीं होता। अस्थमा में क्या है, अचानक अटैक आते हैं, जैसे दौरे होते हैं, आदमी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल एबनॉर्मल हो गया। इसी तरीके से अस्थमा में कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं था, कोई डिस्निया नहीं था, अचानक व्हीजिंग आने लगी, हम लोग कहते हैं दिस इज सडन या पैरोक्सिस्मल प्रॉब्लम, दिस इज सडन या पैरोक्सिस्मल प्रॉब्लम। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हल्का फुल्का सिम्टम कुछ पहले आएगा उसके बाद अचानक सिम्टम बढ़ जाएगा, जो सिम्टम आएगा, जो भी सीवियरिटी होगी वो अचानक ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी में नॉन इन्फेक्टिव डिजीज है और इन्फेक्शन कैन प्रेसिपिटेट द डिजीज, यहाँ पे सडन और पैरोक्सिस्मल प्रॉब्लम है। दो चीजें होती हैं अस्थमा में, एक चीज होता है एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, दूसरा होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट। तो अस्थमा में हम लोग बात कर लेते हैं, पहली चीज है यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाने का मतलब क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का हो जाने का मतलब ये है कि आपका जो स्मूथ मसल है ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स में वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो हम लोगों ने कह दिया यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया,
एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरी तरफ हम लोगों ने कह दिया एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन। एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन में अगेन अब आपका ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीजेस। तो दो चीजें हैं, एक में एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीट हो गया और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। मैंने कह दिया पहले का एयरवे कुछ इस तरीके से था, राइट, ये नॉर्मल है। अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो ये ऐसे हो गया, राइट। तो मैंने कह दिया ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोंको डायलिटेशन। जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोंको डायलिटेशन, राइट। इसका मतलब हमें देना पड़ेगा ब्रोंको डायलेटर, इसका मतलब हमें देना पड़ेगा बीटा टू एगोनिस्ट, इसका मतलब हमें देना पड़ेगा सालब्यूटामोल, जो कि आपके एस्थेलिन या लिवोलिन नाम से आएगी, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पहला इवेंट हुआ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा हुआ एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन। तो ये जो ब्रोंको डायलिटेशन होते हैं, ये वाले ड्रग्स ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स हैं। म्यूकस कम जाता होगा, इंसान कॉफ कर देगा, लेकिन अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो एयर बाहर जाएगी नहीं, और बाहर नहीं जाएगी फिर नई एयर अंदर आएगी नहीं। तो हम लोग कह देते हैं इसी को रेस्क्यू थेरेपी, रेस्क्यू थेरेपी, ठीक है। यहाँ हम लोग पेशेंट की जान बचा लेंगे ब्रोंको डायलेटर देके। दूसरी तरफ आप लोग देख पा रहे हो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, और इसकी वजह से क्या होगा आपका, इन्फ्लेमेशन होगा, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, और जिसकी वजह से क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देने पड़ेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यहाँ पे अगर हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस आपका स्टीरॉइड है, ड्रग ऑफ चॉइस आपका स्टीरॉइड है। ज्यादातर हम लोग यहाँ पे इनहेलेशनल स्टीरॉइड देते हैं, मतलब पेशेंट को सांस के रास्ते देते हैं इनहेलेशनल स्टीरॉइड, ओरल नहीं। ओरल अगर इससे नहीं ठीक होगा तब देंगे। इनहेलेशनल स्टीरॉइड में हम लोग कह देते हैं पेशेंट को क्या दे देंगे, ब्यूडेसोनाइड, ब्यूडेसोनाइड, ठीक है, ब्यूडेट या ब्यूडिकॉट नाम से आता है, ये स्टीरॉइड है। इसको हम लोग कह देते हैं कंट्रोलर थेरेपी, कंट्रोलर थेरेपी, ठीक है। मान लो एक अटैक आ भी गया किसी को, नेक्स्ट अटैक ना आने पाए, वहां म्यूकस वगैरह इकट्ठा ना हो, ब्रेथलेसनेस में थोड़ी कमी हो, तो हम लोग कह देते हैं कंट्रोलर थेरेपी। मान लो मुझे आज अस्थमा का अटैक आया और मैं ठीक हो गया, बिल्कुल ब्रोंको डायलिटेशन हो गया, इसका मतलब है बस ब्रोंको सालब्यूटामोल बंद कर दो, लेकिन कंट्रोलर थेरेपी आपकी महीनों महीनों या हो सकता है जिंदगी भर चलती रहे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग अस्थमा में बात कर रहे हैं कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ऊपर से म्यूकस वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, तो जो एयरवे नैरो हो गया था, जो थोड़ी बहुत एयर आ भी रही थी, वो भी बंद हो जाएगी। स्टार्ट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से होता है। किसी को बहुत सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत देर तक हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस हो गया, इतना ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया कि पेशेंट को सांस ना ली जा रही है ना सांस छोड़ी जा रही है। इसके लिए हम लोग ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं जो कि बीटा टू पे काम करते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है और पेशेंट के सिम्टम्स तुरंत रिलीव हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कुछ म्यूकस भी इकट्ठा हो जाता है क्योंकि वहां इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, तो इम्यूनिटी इन्फ्लेमेशन रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम लोग स्टीरॉयड देते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। इंसान का अटैक चला गया, स्टीरॉयड बराबर देते रहते हैं ताकि दोबारा अटैक ना आए, अस्थमा कंट्रोल्ड रहे, हम लोग कहते हैं कंट्रोलर थेरेपी। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए नॉर्मल एयरवे कैसा होता है और अगर अस्थमा हो जाता है तो किस तरीके से एयरवे आपका ब्लॉक होने लगता है। राइट, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये वाला पार्ट नॉर्मल है, फर्स्ट वाला साइड, दिस इज नॉर्मल,
राइट, थोड़ा बहुत म्यूकस हो सकता है, और जो एयरवे होता है मसल रिलैक्स्ड होती है। हमने कह दिया जो ब्रोंकियोल्स होती हैं उसकी मसल्स रिलैक्स होती हैं, तो ल्यूमेन वाइड होता है, राइट। हम लोग कहते हैं वाइड ल्यूमेन, आराम से एयर आ सकती है, आराम से एयर जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मसल टाइट हो जा रही है, मसल टाइटेंस, राइट। तो हम लोग कह देते हैं इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो पहला फेनोमेना ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, जिसके लिए ब्रोंको डायलेटर दोगे। दूसरी चीज आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ जो म्यूकस कम था अब म्यूकस ज्यादा हो गया है, ल्यूमेन बहुत नैरो हो गया है, ल्यूमेन क्या हो गया है, बहुत नैरो हो गया है, जिसकी वजह से आपका ऑब्स्ट्रक्शन और बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह देते हैं दूसरी चीज क्या है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन एंड म्यूकस सिक्रीशन। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो अस्थमा एक ऐसी डिजीज है जिसमें थोड़ी देर के लिए ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, उसके अलावा म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, तो एयरवे आपका कंप्लीटली चोक हो सकता है, एक्सपिरेशन आपका कंप्लीटली रुक सकता है, राइट। हम लोग कहते हैं वेरी सीवियर अस्थमा, या हम लोग कह देते हैं एक्यूट, सॉरी स्टेटस अस्थमेटिकस। एक और डायग्राम है, ऑलमोस्ट शायद यही चीज दिखाना चाह रहे हो। यहाँ पे भी आप लोग नॉर्मल एयरवे देख पा रहे हो, अस्थमेटिक एयरवे देख पा रहे हो, और जिस समय अटैक आता है उस समय, इसका मतलब जब अस्थमा का अटैक नहीं भी आ रहा है तो भी इनमें बिल्कुल ब्रोंको रिलैक्सेशन नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे म्यूकस फ्री नहीं होता है। हल्का सा मान लो अस्थमेटिक एयरवे में हल्का सा कोई एलर्जन आ गया, कोई लंग का इन्फेक्शन हो गया, लंग इन्फेक्शन, तो ऐसे केसेस में अस्थमा आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब उसी समय इतना ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा कि पेशेंट में सिम्टम्स आने लगेंगे, ठीक है। तो जो अस्थमा का एयरवे होता है बिल्कुल नॉर्मल तो कभी नहीं होता, लेकिन हाँ पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि जितना भी एयरवे बचा होता है क्या होता है, उससे काम चलता रहता है पेशेंट का। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अस्थमा। तो ड्यूरिंग अटैक्स, इन बिटवीन अटैक्स, पेशेंट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। तो अब अस्थमा ऐसा भी हो सकता है किसी को इंटरमिटेंट हो, किसी को हो सकता है अस्थमा परसिस्टेंट हो, राइट, किसी में सीवियर हो, किसी में आपका मॉडरेट हो, किसी में हो सकता है माइल्ड हो। तो हम लोग जो ट्रीटमेंट भी देंगे वो इसी बेसिस पे देंगे कि जो अस्थमा है इंसान का वो कितना ज्यादा सीवियर है। अगर कम सीवियर है, कभी कभी अटैक आता है, तो उसको बराबर ट्रीटमेंट क्यों देना, जब उसको प्रॉब्लम होगी तब उसको आप लोग देते रहिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल ही है, डायग्नोसिस क्लिनिकल। क्लिनिकल का क्या मतलब है, डायग्नोसिस क्लिनिकल का मतलब हम लोग यही कह देते हैं तीन चीज मिलनी चाहिए, डिस्निया, कॉफ और व्हीजिंग, राइट। और प्लस हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशंस में एयर लंग के अंदर आ नहीं रही है, जा नहीं रही, पर्टिकुलरली जा नहीं रही है, यहाँ पे हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं, दैट इज स्पायरोमीट्री। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो गया, और दूसरी चीज क्या है, स्पायरोमीट्री हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट स्पायरोमीट्री में, जिन दो कॉम्पोनेंट्स की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, एक FEV1 है, दूसरा FEV1/FVC है, तीसरा हम लोगों ने बात कर लिया था पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है। तीन चीजों के बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है कि नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल की बात किया जाए तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग कहते हैं इंस्पिरेशन इज एटलीस्ट, क्या कहते हैं, ओके, एक्सपिरेशन आपका क्या हो गया है, अफेक्टेड है। अगर एक्सपिरेशन अफेक्टेड होगा इसका मतलब एयर लंग से बाहर नहीं जा पा रही, राइट, देयरफॉर एयर नॉट एबल टू एस्केप आउट ऑफ लंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लंग के अंदर एयर नहीं है, लंग के अंदर बहुत एयर है, लेकिन जब नई एयर नहीं आएगी, आदमी सांस ले नहीं पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल नहीं पाएगा, ठीक है, तो इंसान को ब्रेथलेसनेस और हाइपोक्सिया होने के चांस हैं। बात कर रहे हैं एक्सपिरेशन इज अफेक्टेड, इसका मतलब लंग इज फुल ऑफ एयर, लंग इज हाइपर इन्फ्लेटेड,
ठीक है, तो जो पहला सिम्टम आएगा वो चेस्ट टाइटनेस का आता है, हम लोग कहते हैं फर्स्ट सिम्टम। पेशेंट को महसूस होता है सीना जकड़ने लगा है, चेस्ट टाइटनेस, क्योंकि एयर जा तो रही है थोड़ी बहुत, एयर बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस के अलावा हम लोग कहेंगे अब एक्सपिरेशन आपका क्या होगा, एक्सपिरेशन आपका प्रोलॉन्ग होगा, एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, राइट। और दूसरा चीज है ऑब्स्ट्रक्शन है विद साउंड, साउंड क्या होगा, दिस इज दैट इज व्हीजिंग। तो अक्सर जो व्हीजिंग होती है वो एक्सपिरेशन में होती है, जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती है तो एयर अंदर भी नहीं आ पाती है, जो आपकी व्हीजिंग होती है वो इंस्पिरेटरी भी हो जाती है और एक्सपिरेटरी हो जाती है। यहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन हो गया है, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, देयरफॉर एयरवे में इरिटेशन होता है, एयरवे इरिटेशन, और इसी वजह से पेशेंट को क्या होता है, कॉफ होता है, कभी कभी ड्राई, कभी कभी स्प्यूटम के साथ पेशेंट में कॉफ। तो हम लोग यही कह रहे हैं पेशेंट में व्हीजिंग मिलेगा, पेशेंट में कॉफ मिलेगा, और अगर मान लीजिए पेशेंट में सांस ले नहीं पा रहा है तो पेशेंट में क्या मिलेगा, ब्रेथलेसनेस मिलेगा, डिस्निया मिलेगा, ब्रेथलेसनेस और डिस्निया, क्योंकि फ्रेश एयर नहीं ले पा रहा है, थोड़ी सी एयर एक्सहेल कर पा रहा है तो थोड़ी सी इनहेल भी कर पाएगा, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा लेकिन सांस सही से नहीं ले पाएगा, टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगा, राइट, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा। हम लोग कह देते हैं कैन लीड टू इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, टैकिपनिया, राइट, सांस सही से नहीं ले पा रहा है लेकिन क्या करेगा, अगर एयर सही से अंदर नहीं आ रही है, 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम था बाहर नहीं जा रहा है, तो पेशेंट क्या करेगा, जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा कि जितना 10 सांस में चला जाना चाहिए था उतना 50 सांस मिलेगा, तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो डायग्नोसिस आपका मेनली क्या होता है, क्लिनिकल होता है, इसको हम लोग एविडेंस दे देते हैं इन्वेस्टिगेशंस के। इन्वेस्टिगेशंस में मेनली हम लोगों ने बात किया था स्पायरोमीट्री की, राइट, हम लोग कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इन अस्थमा, अस्थमा में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। यहाँ पे अगेन हम लोग कहते हैं पेशेंट की क्या करेंगे, स्पायरोमीट्री करेंगे। हम लोगों ने पहले भी देखा था जब स्पायरोमीट्री पढ़ रहे थे तो पेशेंट से कहते हैं स्पायरोमीटर में खूब तेजी से क्या करो, एयर ब्लो करो, कुछ इस तरीके से स्पायरोमीट्री इंसान से कह दिया जाता है, पहले खूब तेजी से सांस लो, उसके बाद खूब तेजी से सांस छोड़ो, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कितना आपके लंग की कैपेसिटी बची हुई है या ऑब्स्ट्रक्शन कितना ज्यादा सीवियर है। यहाँ पे कुछ ग्राफ वगैरह भी बनते हैं, वो भी मैंने बताया था। तो कुछ इस तरीके से जब हम लोग स्पायरोमीट्री करते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, इंसान सांस लेना स्टार्ट करेगा तो इस तरीके से नीचे वाली लाइन आपकी इंस्पिरेशन होती है, इंस्पिरेशन, और फिर ये चीज ऊपर चला गया और ये एक्सपिरेशन हो गया, राइट, ये नीचे वाला आपका इंस्पिरेशन और ये आपका एक्सपिरेशन। शुरू में अगर मान लीजिए मैंने कह दिया टाइम इस एक्सिस पे ले लेते हैं, एक एक्सिस पे टाइम, एक एक्चुअल ले लेते हैं, तो जो एक्सपिरेशन होता है इसका ये स्लोप स्मूथ होता है, राइट, और ये सबसे तेज जो एक्सपिरेशन हो रहा है इसको हम लोग कह देते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, राइट, और ये आपका हो गया कितने स्पीड से क्या हो रहा है आपका एक्सपिरेशन, सिंपल है। तो हम लोगों ने पेशेंट से कहा खूब तेजी से सांस लो, तो जो नीचे वाला लूप है वो इंस्पिरेशन का है, ऊपर वाला लूप आपका एक्सपिरेशन का है, ठीक है। एक यहाँ पे एक्चुअल वो ले लेते हैं, पहले एक नॉर्मल ले लेते हैं, यहाँ पे जब स्पायरोमेट्री हो रही है किसी की तो आप लोग नोटिस कर पा रहे हो कि पेशेंट जो है जब ब्रीथ कर रहा है तो नीचे वाला ग्राफ आ रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है, और फिर जब एक्सहेल कर रहा है तो आपका ऊपर वाला ग्राफ आ रहा है एक्सपिरेशन का। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं फ्लो रेट, ठीक है, फ्लो
लीटर पर सेकेंड, कितना एयर आदमी रिलीज कर रहा है। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इनिशियली बहुत तेजी से इंसान ने क्या किया, जैसे ही एक्सपिरेशन स्टार्ट हुआ बहुत तेज हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम वन। और जो पीक वाला रहता है दैट इज पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, यहाँ पे आगे रेट ऐड कर देते हैं, और 1 सेकेंड में जितना एयर निकला है, एयर रिलीज्ड इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ एक्सपिरेशन, ये आपका तकरीबन 75% होता है, ठीक है। उसके बाद ये स्पीड कम हो जाती है और धीरे धीरे सारी एयर निकल जाती है। अगर अस्थमा होगा तो ये बहुत तेजी से एक्सपिरेशन भी नहीं हो पाएगा, और जो पहले सेकेंड में खूब तेजी से एयर निकल जाती थी वो भी नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं FEV1, ये नॉर्मल है। FEV1 में हम लोग कहते हैं 75% एयर आपकी, या हम लोग कह देते हैं अप टू 80% आपकी एयर रिलीज हो जाती है, ठीक है। जितना भी हम लोग एयर रिलीज करते हैं दैट इज फोर्स वाइटल कैपेसिटी, उसका तकरीबन 75% आपका रिलीज हो जाता है। ये आपका लगभग नॉर्मल है, नॉर्मल स्पायरोमीट्री। दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं अस्थमा में, देख लेते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। आई थिंक इतना जूम काफी है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्स्ट्रक्टिव या अस्थमा की, राइट। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जो 1 सेकेंड में एयर इतनी निकलती थी अब केवल इतनी निकली है। तो FEV1 आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल था, FVC था कितनी एयर निकलती है, ऑब्स्ट्रक्टिव में नीचे आ गया, ठीक है। तो FEV1 कम हो गया, और जो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट था ये आपका क्या था, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, ये भी आपका ये नॉर्मल है, अस्थमा वाले में क्या हो गया, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कम हो गया, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होगा, जैसे हम लोग ये जो स्लोप देख रहे थे कुछ इस टाइप से स्लोप था, मतलब सीधा सीधा सा स्लोप था इस टाइप से, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्लोप कैसा हो गया, स्लोप अंदर की तरफ घुस गया है। तो हम लोग कहते हैं जब एक्सपिरेटरी या जब स्पायरोमीट्री की बात करते हैं तो अस्थमा वाले केस में लूप आपका थोड़ा सा नीचे रह जाता है कुछ इस टाइप से, और ये चीज आपकी अंदर चली गई, ठीक है। तो ये हाइट आपकी डिक्रीज हो गई, और दूसरी चीज है यहाँ पे ये चीज आपकी और डिप हो गई। तो हम लोग कहते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट आपका कम हो गया, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम पहले सेकेंड में आपका और कम हो गया, और FVC, FEV1 ये हो गया लेस देन 75%, जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्पायरोमीट्री कर लेते हैं। स्पायरोमीट्री में हमें क्या क्या मिलता है, समराइज कर लेते हैं। समरी ऑफ स्पायरोमीट्री इन अस्थमा, ठीक है। कोई एक्सरे वगैरह कराने की खास जरूरत नहीं है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कहते हैं पेशेंट का पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कम हो गया, पेशेंट का FEV1 कम हो गया, पेशेंट का FEV1 डिवाइडेड बाई FVC भी कम हो गया, ठीक है। ये तीन चीजें होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को क्या है, अस्थमा है, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में अस्थमा भी हो सकता है, COPD भी हो सकता है, अस्थमा है, COPD है। अगर यहाँ पे नेबुलाइज कर दो पेशेंट को, beta-2 एगोनिस दे दो, नॉर्मल हो जाए, तो इसका मतलब अस्थमा कंफर्म है, अदरवाइज COPD है, अस्थमा कंफर्म। नहीं हुआ, नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, तो हम लोग क्या कह देते हैं, अब ये COPD है।
ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीवियरिटी ऑफ अस्थमा। सीवियरिटी या क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा, कब हम लोग कहेंगे कि अस्थमा कितना सीवियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा सीवियरिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा सीवियरिटी, तो एक गाइडलाइन होती है जिसको हम लोग कहते हैं जीना गाइडलाइन। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ अस्थमा, जीना गाइडलाइंस। जीना का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव, जी आई इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। ठीक है, तो जीना का फुल फॉर्म है, जी यहां से ले लिया, आई यहां से ले लिया, ए यहां से ले लिया। ठीक है, जीना गाइडलाइंस कहती हैं कि अस्थमा को आप लोग डिवाइड करिए सीवियर है कि कम सीवियर है कि इंटरमिटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है जो काफी काम का है ट्रीटमेंट वाइज, हम लोग यहाँ पे कह देते हैं अगर अस्थमा है तो पहली चीज हो सकता है किसी को कभी कभी अटैक आता हो, रोज अटैक ना आता हो, जमाने में कभी आ जाए तो इंटरमिटेंट है। दूसरी चीज है मैंने कह दिया पेशेंट को परसिस्टेंट अस्थमा है, अस्थमा। तो अगर इंटरमिटेंट है इसका मतलब सिम्टम्स बहुत देर देर पे आएंगे, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट भी हम लोग इंटरमिटेंट देंगे। जब प्रॉब्लम होगी तो इंटरमिटेंट क्या दे देंगे, बीटा टू एगोनिस्ट दे देंगे। लेकिन अगर परसिस्टेंट है तो ट्रीटमेंट भी हम लोग बराबर देते रहेंगे, परसिस्टेंट ट्रीटमेंट, राइट। तो परसिस्टेंट ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देंगे, मेनली आपके स्टीरॉइड्स, और अगर जरूरत हुई बीटा टू एगोनिस्ट व्हेन नीडेड। ऐसा नहीं कि इसको जब बराबर देते रहेंगे, जब अटैक आएगा तो बीटा टू एगोनिस्ट दे देंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे जब सीवियरिटी की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरमिटेंट, फिर उसके बाद हम लोग कह देते हैं परसिस्टेंट, फिर मॉडरेट परसिस्टेंट, फिर सीवियर परसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला ले लेते हैं माइल्ड परसिस्टेंट, कभी कभी आता है और हल्का फुल्का अटैक आता है, नंबर वन माइल्ड परसिस्टेंट, राइट, माइल्ड परसिस्टेंट। यहाँ पे जो आपका सिम्टम होगा दो हफ्ते में, सॉरी एक हफ्ते में दो बार से कम सिम्टम आए, ठीक है, तो ये आपका माइल्ड है। लिख लेते हैं सिम्टम्स, सिम्टम्स लेस देन कितना, टू पर वीक। तो हम लोग कह देते हैं पेशेंट में क्या है, इंटरमिटेंट है। ये ओवरऑल सिम्टम्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नाइट सिम्टम, तो नाइट सिम्टम यहाँ पे लेस देन टू पर मंथ, ओवरऑल अगर हम लोग कहें दो से कम हफ्ते में, नाइट में एक महीने में दो से कम, ठीक है। नाइट सिम्टम्स, नाइट सिम्टम्स, अक्सर अस्थमा का अटैक नाइट में आता है जब टेम्परेचर कम होता है, तो हम लोग कह देते हैं लेस देन और इक्वल टू टू पर मंथ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और स्पेस लेके बना लेते हैं क्योंकि इसमें हम लोगों को और भी कुछ लिखना है। चलो ठीक है, अभी इतना ही रहने दो, लेस देन टू पर मंथ। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, माइल्ड के बाद मॉडरेट पे। अब माइल्ड वाला आपका परसिस्टेंट नहीं, पहले इंटरमिटेंट आएगा यार, इंटरमिटेंट, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग आएंगे माइल्ड, फिर उसके बाद आ जाएंगे मॉडरेट, फिर उसके आ जाए अब बाद आ जाएंगे सीवियर। ये आपका माइल्ड परसिस्टेंट है, मॉडरेट परसिस्टेंट है, और फिर उसके बाद सीवियर परसिस्टेंट है, सीवियर परसिस्टेंट है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिम्टम्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर लेते हैं कि किसी का अस्थमा कितना सीवियर है। अगर इंटरमिटेंट है तो जब इसको प्रॉब्लम आएगी, जैसे मान लो हफ्ते में दो से कम अटैक आए, ठीक है, उसी समय नेबुलाइज कर दो या उसी समय इनहेलर दे दो। शर्त ये होनी चाहिए कि नाइट सिम्टम आपके, जो भी पूरे सिम्टम आ रहे हैं दिन और रात मिला के, नाइट सिम्टम दो से कम हो। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं माइल्ड परसिस्टेंट में सिम्टम आपके कितने हो गए, दो से ज्यादा हो गए पर वीक, लेकिन दिन भर में एक सिम्टम से ज्यादा नहीं है, हम लोग कहते हैं यहाँ पे
greater than 2 per week but less than 1 per day. ठीक है, ऐसा नहीं कि दिन भर में दो अटैक आ गया, हफ्ते में दो अटैक आ सकता है, किसी एक दिन दो अटैक ना आए. और नाइट सिम्पटम की बात करते हैं तो इसको बढ़ा दो, ग्रेटर देन 2 पर मंथ, सिंपल है. अब हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेट परसिस्टेंट. मॉडरेट परसिस्टेंट में हम लोग कहते हैं कि अब पेशेंट को डेली अटैक आ रहे हैं, डेली सिम्टम्स. और नाइट वाले क्या हो गए, ग्रेटर देन 1 पर वीक हो गए. राइट, हफ्ते में अब एक अटैक से ज्यादा आ ही जाते हैं. अगर वाली सीवियर की बात करें तो हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस सिम्टम्स. ठीक है, कंटिन्यूअस सिम्टम्स मतलब कुछ न कुछ सिम्टम्स इनको अस्थमा की, वीजिंग, ब्रेथलेसनेस बनी ही रहती है. यहाँ पे पेशेंट में जो नाइट सिम्टम भी होते हैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है, माइल्ड है कि परसिस्टेंट है, कि मॉडरेट है, कि आपका सीवियर परसिस्टेंट है. अभी हम लोगों ने एक चीज और देखा था कि पेशेंट में स्पायरोमीट्री किए थे. स्पायरोमीट्री किस दिन काम आएगी अगर वो ये ना बता पाए कि माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है. राइट, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर माइल्ड है तो माइल्ड में तो ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए. माइल्ड है तो स्पायरोमीट्री में क्या मिलेगा, स्पायरोमीट्री में हम लोग कहते हैं यहाँ पे अभी भी FEV1 ग्रेटर देन 80% है. जो भी पेशेंट का FEV1 है वो ग्रेटर देन 80% है. और दूसरी चीज है जो हमारा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है ये कितना है, ये भी ग्रेटर देन 80% है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अभी गलीमत है, 80% से ऊपर है चीजें. अब यहाँ पे दिक्कत होने लगेगी जब पेशेंट में क्या होगा, माइल्ड परसिस्टेंट होगा. तो माइल्ड परसिस्टेंट होगा तो अभी भी ये मान लीजिए 80% से ऊपर है, FEV1 एंड PEFR ग्रेटर देन 80% है, बट सुबह और शाम में फर्क हो जाएगा. हम लोग कहते हैं पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट की जो वेरिएबिलिटी है वो 20-30% हो जाएगी. पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट वेरिएबिलिटी सुबह और शाम में कितनी हो जाएगी, 20-30% हो जाएगी. और यहाँ पे वेरिएबिलिटी, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट की वेरिएबिलिटी कितनी हो जाएगी, अप टू 20%. राइट, अगर उसे कुछ दिक्कत हो रही है तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है. मैं कहता हूँ PEFR नॉर्मल भी है, कभी 20% कम हो जाएगा, कभी 20% ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे वेरिएबिलिटी आपकी कितनी हो गई, 20-30%. और जब मॉडरेट की हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे दिक्कत होनी शुरू हो गई. हम लोग कहते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाई FVC कितना हो गया, ये कम हो गया. ठीक है, लेस देन 75% बट मोर देन 60%. हम लोग कहते थे 75% तो क्राइटेरिया में आना ही चाहिए, है ना. और यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी है PEFR की, दैट इज ग्रेटर देन 30%. वहीं से हम लोग स्टार्ट किए थे, वहीं से इंक्रीज करते जा रहे हैं. फिर यहाँ पे हम लोग कह दे रहे हैं स्पायरोमीट्री में क्या मिलेगा, FEV1 डिवाइडेड बाई FVC लेस देन 60%. ठीक है, काफी कम हो गए यहाँ पे. अगर हम लोग बात भी करें इंडिविजुअल की भी, FEV1 एंड पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट ये भी आपके कितने से कम हो गए, 60% से कम इंडिविजुअली. और यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट की, वेरिएबिलिटी कम से कम 30% से ज्यादा. तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्पायरोमीट्री की, हम लोग बात कर रहे हैं क्लिनिकल सिम्टम्स, है ना, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन, और उसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि स्पायरोमीट्री में क्या चेंजेस आएंगे. इसको और सिंपल कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन.
सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन में हम लोग कह देते हैं पहला आपका क्या है, माइल्ड इंटरमिटेंट। माइल्ड इंटरमिटेंट है तो जो सिम्टम्स आपके आ रहे थे लेस देन 2 पर वीक आ रहे थे, नाइट सिम्टम हटा देते हैं। फिर यहाँ पे सेकेंड आपके माइल्ड परसिस्टेंट, माइल्ड परसिस्टेंट यहाँ पे क्या हम लोग कह रहे हैं, सिम्टम्स आपके 2 पर वीक से ज्यादा आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग कह देते हैं थर्ड मॉडरेट परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट में सिम्टम्स आपके डेली आ रहे हैं, ठीक है। फोर्थ अगर हम लोग कह दें सीवियर परसिस्टेंट, तो पेशेंट में कुछ ना कुछ कॉफ, कुछ ना कुछ ब्रेथलेसनेस बना रह रहा है, हम लोग कह देते हैं कंटिन्यूअस सिम्टम्स, कंटिन्यूअस सिम्टम्स, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग नाइट सिम्टम हटा के क्या डाल देते हैं, स्पायरोमीट्री की फाइंडिंग्स डाल देते हैं, लंग फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे अगर स्टेज वन है तो ओनली PEFR वेरिएबिलिटी है कितना, लेस देन या अप टू 20% कर लेते हैं, ठीक है। PEFR वेरिएबिलिटी लेस देन 20%। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह देते हैं PEFR वेरिएबिलिटी कितना, 20-30%, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम लोग मॉडरेट और सीवियर पे आ गए तो हम लोग कहते हैं FEV1 बाई FVC कितना हो गया, लेस देन 75% to 60%। ये तो अस्थमा के उसमें ही आता था ऑब्स्ट्रक्टिव में, और नीचे आ जाते हैं FEV1 बाई FVC लेस देन 60%, यहाँ पे PEFR वेरिएबिलिटी ग्रेटर देन 30% और यहाँ पे भी वेरिएबिलिटी ग्रेटर देन 30%, ठीक है। तो सिंपल सा है, PEFR वेरिएबिलिटी मतलब सुबह शाम में जो चेंज आएगा या नेबुलाइजेशन के पहले और बाद जो चेंज आएगा वो 30% का चेंज आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है क्लासिफिकेशन, इसी हिसाब से हम लोगों को ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो अब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ बात कर लेते हैं, अस्थमा, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, तो हम लोग देखेंगे जो इंटरमिटेंट है उसमें हम लोग ट्रीटमेंट इंटरमिटेंटली देंगे, रोज ट्रीटमेंट नहीं देंगे, और रोज जिसमें ट्रीटमेंट देते भी हैं उसमें मेनली हम लोग क्या देते हैं, स्टीरॉइड देते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में हम लोग कहते हैं आपके ब्रोंको डायलेटर्स हो सकते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स, जैसे एग्जाम्पल बीटा टू एगोनिस्ट एग्जाम्पल मैं कहूं साल्ब्यूटामोल, तो यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, इन्हीं को हम लोग कह देते हैं सडन रिलीफ देते हैं, ये गए और इनका टाइम ऑफ एक्शन बहुत कम है, इसी को हम लोग रेस्क्यू थेरेपी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, रेस्क्यू थेरेपी, इसी को हम लोग कह देते हैं साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, दिस इज नोन एज साबा, रेस्क्यू थेरेपी। यहाँ पे एग्जाम्पल जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है दैट इज साल्ब्यूटामोल, साल्ब्यूटामोल, और हम लोग इसी को मार्केट में एस्थेलिन या लियोलिन नाम से जानते हैं, एस्थेलिन, ठीक है। टैबलेट, सीरप, रेस्क्यूल सब कुछ मिलता है, तो जो हमारी कोशिश रहती है पेशेंट को ट्रीट करने की वो इनहेलेशनल थेरेपीज रहती है, लंग्स तक ड्रग भेजना है तो सांस के साथ भेज दो, अगर पूरी बॉडी में खिलाओगे ड्रग को तो बाकी जगह भी ड्रग पहुंचेगी और क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स होंगे। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं बीटा टू एगोनिस्ट, जिसमें आपका शॉर्ट एक्टिंग है दैट इज साबा, इसी तरीके से हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग भी है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, हम लोग इन्हीं को कह देते हैं क्या कह देते हैं, लाबा कह देते हैं, राइट। तो हम लोग कह देते हैं एग्जाम्पल साल्मीट्रॉल, फॉर्मीट्रॉल एसेट्रा, ठीक है। तो इनको भी देते हैं, मान लो किसी को बहुत फ्रीक्वेंटली अस्थमा का अटैक आए, शॉर्ट वाला दे रहे हो थोड़ी देर तक काम कर रहा है उसके बाद फिर अटैक आ जा रहा है, तो लॉन्ग एक्टिंग दे दो पेशेंट को ताकि काफी देर तक ये क्या करे, मोर्चा संभाल ले, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट एक्टिंग
और लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट के, ये आपके ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं और ये आपके क्या होते हैं, रेस्क्यू थेरेपी में आते हैं। तो ब्रोंको डायलेटर्स में पहली कैटेगरी हो गई बीटा टू एगोनिस्ट। इसी तरीके से ब्रोंको डायलेटर्स में और एक आते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स एंटी कोलिनर्जिक्स। कुल मिला के ये भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। एंटी सिंपै ब्रोंको डायलेटर्स पार्ट टू एंटी कोलिनर्जिक्स, एग्जाम्पल इप्राट्रोपियम, ब्रोमाइड या टायाट्रोपियम ब्रोमाइड। बहुत ही सिंपल है ब्रोंको डायलेटर्स आपके एंटी कोलिनर्जिक्स, ये भी आपके ब्रोंको डायलिटेशन कराएंगे, ठीक है, लेकिन उतने एफिकेसियस नहीं होंगे जितने आपके क्या होंगे बीटा टू एगोनिस्ट। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं क्या चीज, हम लोग कभी कभी कॉम्बो थेरेपी दे देते हैं, कॉम्बो थेरेपी जिसमें क्या होता है बीटा टू एगोनिस्ट हो जाता है और प्लस आपका एंटी कोलिनर्जिक हो जाता है, एंटी कोलिन। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें डेओलिन, तो ये ज्यादा हेल्पफुल होती है, डेओलिन होगा, मतलब यहाँ पे क्या है पेशेंट को सालब्यूटामॉल भी दे दिया, सालब्यूटामॉल और प्लस हम लोगों ने दे दिया इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, राइट। किसी तरीके से पेशेंट को बचाना है। सालब्यूटामॉल का एक और होता है टर्ब्यूटालिन, तो सालब्यूटामॉल टर्ब्यूटालिन दोनों में से एक यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, तो डेओलिन यूज कर सकते हैं, एस्थेलिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास इनहेलेशनल थेरेपी के फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब पेशेंट को इनहेलर के फॉर्म में देंगे, टेबलेट के फॉर्म में नहीं, ठीक है, या पेशेंट को हम लोग नेबुलाइज कर देंगे, रेस्प्यूल के फॉर्म में ड्रग हम लोग एरोसॉल थेरेपी के फॉर्म में देंगे। तो एक तो ब्रोंको डायलेटर्स हो गए, दूसरे आपके कौन से हो गए यहाँ पे, तीसरे मैं कहता हूँ स्टीरोइड्स हो गए, और मेनली आपके इनहेलेशनल स्टीरोइड्स हो गए, इनहेलेशनल स्टीरोइड की अगर हम लोग बात करें तो जो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होता है दैट इज ब्यूडेसोनाइड, ठीक है। जैसे हम लोग प्रेडनिसोलोन वगैरह की बात करते हैं तो वो इनहेलेशनल नहीं है, ठीक है, वो ओरल है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन की बात करें तो वो ओरल भी है, वो आपका क्या है, वो आईवी भी है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं इनहेलेशनल स्टीरोइड्स, और इनको यूज करते हैं ताकि अस्थमा का अटैक आगे ना आए, एज कंट्रोलर थेरेपी, राइट। तो हम लोग बात करेंगे इनहेलेशनल स्टीरोइड्स के, जो इनहेलेशनल स्टीरोइड्स आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं कौन से होते हैं, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल ब्यूडेसोनाइड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ब्यूडेसोनाइड बहुत ज्यादा मार्केट में यूज होता है, मार्केट में रेस्प्यूल, अभी दिखाएंगे रेस्प्यूल क्या होता है, रेस्प्यूल ब्यूडिकॉर्ट या ब्यूडेट, ठीक है। अगर किसी को अस्थमा का अटैक आ गया है उस समय ये कुछ काम नहीं करेगा, अस्थमा का अटैक चला गया है, आगे अस्थमा का ना आए, अटैक आए, अस्थमा डिजीज कंट्रोल्ड हो, उसके लिए बराबर तौर पे हम लोग क्या देते हैं, हम लोग बराबर तौर पे स्टीरॉइड्स देते हैं। अगर पेशेंट में इससे कंट्रोल नहीं हुआ, इफ अस्थमा इज सीवियर, तो हम लोग ओरल स्टीरॉइड भी दे सकते हैं, ओरल स्टीरॉइड, जहां पे ओरल स्टीरॉइड का आ जाए नाम, वहां ड्रग ऑफ चॉइस टेबलेट प्रेडनिसोलोन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं चाहते कि कोई ड्रग ऐसी दें जो पूरी बॉडी में जाए, लंग पे कोई प्रॉब्लम है तो लंग तक ये आपकी ड्रग्स पहुंच जाए और जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिल जाए, किस चीज में पेशेंट को रिलीफ मिल जाए, सांस लेने में। इसके अलावा हम लोग कहते हैं एक और सब्सटेंसेस होते हैं एमिनोफाइलिन, डेरीफाइलिन, थियोफाइलिन, तो मिथाइल ज़ैंथीन्स होते हैं, वो भी आपके ब्रोंको डायलिटेशन कराते हैं। फोर्थ मिथाइल ज़ैंथीन्स ये भी आपके ब्रोंको डायलिटेशन करा सकते हैं, ब्रोंको
डायलिटेशन, और यहाँ पे एग्जाम्पल है थियोफिलीन, एमिनोफिलीन, ठीक है। तुम लोगों ने डेरीफाइलिन का नाम सुना होगा, डेरीफाइलिन, डॉक्सीफाइलिन, ऑल दीज ड्रग्स, ये भी आपके क्या करते हैं, ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करके ब्रोंको डायलिटेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन थेरेप्यूटिक रेंज थोड़ा सा नैरो होता है, साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और आए फिफ्थ, तो हम लोग कहते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग कहते हैं जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन था वो पहले था, यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हो रहा था, जो इन्फ्लामेशन के बाद म्यूकस बन रहा था, ये सब आपके ल्यूकोट्राइन मीडिएटेड होते हैं। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिंस होते हैं बॉडी में, वैसे आपके ल्यूकोट्राइन्स होते हैं। इन्फ्लामेशन हो रहा था जिसकी वजह से म्यूकस सिक्रीट हो रहा था, और ये किसकी वजह से हो रहा था, ल्यूकोट्राइन्स की वजह से। तो हम लोग चाहते हैं ये चीज ना हो, तो ल्यूकोट्राइन को रोकने के लिए, म्यूकस कम बनाने के लिए ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे देते हैं। बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है, कोविड में भी खूब खाया लोगों ने। एग्जाम्पल मॉन्टी ल्यूकास्ट, मॉन्टी ल्यूकास्ट टेबलेट के फॉर्म में आती है, मॉन्टेयर नाम से, मॉन्टी ल्यूकास्ट, सिंपल है, मॉन्टेयर एलसी लोग खाते हैं। इसको भी हम लोग 10 मिलीग्राम क्यूआईडी दे सकते हैं अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। एक और है यहाँ पे जाफिर ल्यूकास्ट, इसको हम लोग 20 मिलीग्राम बीडी दे सकते हैं, 20 मिलीग्राम बीडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से इतनी सारी ड्रग्स हैं जिनको अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रोंको, जो मेन ड्रग्स हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, ब्रोंको डायलेटर्स हो गए, लॉन्ग एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग, मतलब साबा एंड लाबा, फिर उसके बाद ब्रोंको डायलेटर्स हो गए जो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी रखते हैं, इप्राट्रोपियम एंड टायाट्रोपियम, फिर उसके बाद कॉम्बो थेरेपी की बात कर लिए, ड्योलिन, फिर उसके बाद स्टीरॉइड की बात कर लिए, इनहिलेशनल स्टीरॉइड जो कि कंट्रोलर का काम करेंगे, अगर नहीं काम चल रहा है तो टेबलेट प्रेडनिसोलोन दे दो, अगर स्टेटस एस्थमेटिकस है तो आईवी प्रेडनिसोलोन दे दो, आईवी स्टीरॉइड दे दो, मतलब हाइड्रोकॉर्ड, मिथाइल ज़ैंथिन्स हैं, ब्रोंकोडायलेटर और ल्यूकोट्राइन, इतने हमारे काम के हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो जो क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या कहता है, हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि अगर इंटरमिटेंट होगा तो ट्रीटमेंट भी आपका इंटरमिटेंट ही दिया जाएगा, बराबर क्यों दिया जाए। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया था इंटरमिटेंट, माइल्ड इंटरमिटेंट, मतलब हल्का फुल्का होता है और कभी कभी होता है, ठीक है। हम लोग कहते थे दो एपिसोड एक वीक में हो या उससे कम हो, तो ये माइल्ड आपका क्या हो गया, माइल्ड इंटरमिटेंट हो गया। यहाँ पे हम लोगों को क्या देना है, हम लोगों को साबा देना है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, वो भी SOS देना है, मतलब जब भी इनको प्रॉब्लम हो तो क्या करोगे, नेबुलाइज कर दो या इनहेलर दे दो, नेबुलाइज या इनहेलर, इनहेलर व्हेन अटैक्स, जब अटैक आए तो दे दो, नो परसिस्टेंट ट्रीटमेंट, मतलब बराबर कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है, नो परसिस्टेंट ट्रीटमेंट। दूसरी चीज क्या है, माइल्ड इंटरमिटेंट के अलावा, हम लोग माइल्ड इंटरमिटेंट के अलावा बात करते हैं यहाँ पे क्या चीज, मॉडरेट परसिस्टेंट, अगर परसिस्टेंट है तो अब दवा बराबर देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट प्लस लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, राइट, यहाँ पे जहाँ पे स्टेरॉइड्स लिखे थे हम लोग कहते हैं इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ICS, राइट। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं पेशेंट को अब क्या देंगे, लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बराबर देंगे परसिस्टेंटली, जब तक पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगा या जब तक सिम्टम उसके आने कम ना आ जाए, जब तक 6 महीने के लिए वो बिल्कुल सिम्टम फ्री ना हो जाए। यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे माइल्ड के बाद बेटा क्या है,
माइल्ड परसिस्टेंट है ना, क्योंकि वहां माइल्ड इंटरमिटेंट था। फिर यहाँ पे मॉडरेट परसिस्टेंट है, मॉडरेट परसिस्टेंट में क्या होगा, हम लोग साबा देते रहेंगे प्लस हाई डोज और ज्यादा बढ़ा देंगे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, और बराबर ट्रीटमेंट देते रहेंगे परसिस्टेंटली। फिर उसके बाद हम लोग कह देते हैं सीवियर परसिस्टेंट। सीवियर परसिस्टेंट में हम लोग साबा भी देंगे, हम लोग लाबा भी ऐड कर देंगे, हम लोग हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ऐड कर देंगे, और हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस क्या दे देंगे, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, जो कि हमारे पास मॉन्टी ल्यूपास्ट और जाफी ल्यूपास्ट था, ठीक है। तो जब अस्थमा अगर परसिस्टेंट है तो ट्रीटमेंट भी आपको कभी कभी नहीं देना है, परसिस्टेंट ट्रीटमेंट देना है, बराबर ट्रीट करना है। इसी को हम लोग आजकल क्लासिफाई करते हैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर के अलावा, इसको हम लोग कह देते हैं स्टेप वन है, राइट। फिर उसके बाद हम लोग इसको कह देते हैं स्टेप टू है, मतलब ट्रीटमेंट हमने स्टेप अप कर दिया, कभी कभी दे के देखा लेकिन अटैक नहीं सबसाइड हो रहे हैं तो हमने स्टेप टू कर दिया। फिर उसके बाद हमने स्टेप थ्री कर दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेप फोर कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है ट्रीटमेंट, वही आपके मेन ड्रग्स हैं, साबा से स्टार्ट किया, लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड कर दिया, हाई डोज ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने लाबा भी ऐड कर दिया, और अगर जरूरत पड़ी तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट भी ऐड कर दिया। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है, हर चीज सिस्टमेटिकली चल रही है, बस बहुत सारी चीजों से डील करना है। अगर मान लीजिए किसी को स्टेटस अस्थमैटिकस है, तो हम लोगों ने यही कह दिया था अटैक आपका ग्रेटर देन 30 मिनट्स है ना, बीच में बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुआ, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लोग इनहेलेशनल थेरेपी के अलावा क्या देंगे, इनहेलेशनल बीटा टू एगोनिस्ट, वही रेस्क्यू थेरेपी, मतलब हम लोग सालब्यूटामॉल प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम लोग दूसरी चीज देंगे आईवी स्टीरॉइड। आईवी स्टीरॉइड की बात होती है एग्जांपल हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, 200 मिलीग्राम आईवी स्टेट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो अगर स्टेटस एस्थमेटिकस है, ठीक है, पेशेंट को नेबुलाइज करते रहिए, ऑक्सीजन लगाते रहिए, स्टीरॉइड भी देना पड़ेगा, और ये स्टीरॉइड आपका आईवी स्टीरॉइड होगा हाइड्रोकॉर्टिसोन। अब इनहेलेशनल में आप लोग इनहेलेशनल की बात करें तो नॉट इनहेलर, इनहेलर नहीं देना है पेशेंट को, इमरजेंसी है, इमरजेंसी केस में क्या होगा, पेशेंट हो सकता है सांस खींच ना पाए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को नेबुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेबुलाइजेशन और इनहेलर, जितना आपके काम का है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ये आपका एस्थेलिन है और ये आपका एस्थेलिन इनहेलर है, ठीक है। एस्थेलिन का मतलब है बीटा टू एगोनिस्ट है, मतलब साबा है, मतलब सालब्यूटामॉल है, ठीक है। इनहेलर कैसे लेते हैं, तुम लोगों ने भी कभी ना कभी तो देखा ही होगा इनहेलर कैसे लिया जाता है, कुछ इस तरीके से लिया जाता है, ऊपर इसके पास यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, तो हम लोग कहते हैं एक पफ ले दिया, जब एक बार प्रेस करेंगे तो डोज जितनी हमें चाहिए 100 से 200 मिलीग्राम उतनी हम लोग दे देते हैं। तो इनहेलर में पेशेंट को एफर्ट करना पड़ता है, पेशेंट में बहुत ज्यादा अगर ब्रेथलेसनेस है तो शायद इनहेल ना कर पाए, राइट। तो इनहेलर थेरेपी हो गया हमारे पास, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो हमें अब पेशेंट को इनहेल कराने के भरोसे नहीं रहना है, पेशेंट को हमें नेबुलाइज कराना पड़ेगा, दिस इज नेबुलाइजेशन, राइट। अगर पेशेंट सांस खींच नहीं पा रहा है तो भी इससे काम हो जाएगा, तो हम लोग कह देते हैं नेबुलाइजेशन। ये आपका नेबुलाइजर मशीन है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ये आपका इन स्टेटस अस्थमैटिकस, या मान लो कोई एडमिट है स्टेटस एस्थमेटिकस में, हम लोग क्या करेंगे, नेबुलाइज करेंगे, अगर वहां पे मशीन है, इनहेलर है तो उससे भी ले की कोशिश करेंगे, लेकिन इनहेलर से शायद पेशेंट उतना इफेक्टिवली ले ना पाए क्योंकि सांस बहुत फूल रही है, अगर इतने ही अच्छे से सांस लेता तो जरूरत क्या थी नेबुलाइजेशन की, राइट। ये आपकी नेबुलाइजेशन मशीन है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अस्थमा पढ़ लिया, उसकी सीवियरिटी पढ़ ली, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उसका ट्रीटमेंट पढ़ लिया, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लिया, राइट। और पेशेंट में हम लोगों ने कुछ ड्रग्स देख लिए चैट सेक्शन।
बहुत लंबा।